हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको टेरेस को रिनोवेट करना सिखाएंगे एंड किस तरह आप सीमेंट के पॉट स्टैंड को पेंट कर सकते हैं ये बताएंगे। अगर आपके घर में पुराना सीमेंट पॉट स्टैंड है तो हम उसे भी रिनोवेट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप नॉर्मल फ्लावर पॉट भी ले सकते हैं एंड उसे भी नया लुक दे सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे सीमेंट के पॉट स्टैंड को साफ़ करना है। तो साफ़ करने के लिए आप एक ब्रश इस्तेमाल में ले सकते हैं। ब्रश से आपको अच्छे से साफ़ करना है। ब्रश की हेल्प से जितने भी कॉर्नर्स हैं उसमें जो भी डस्ट है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। कपड़े से करना अवॉइड करें, बिकॉज कपड़े से ऊपर ही ऊपर साफ़ होगा। साफ़ करने के बाद हम इस पर पेंट अप्लाई करेंगे। मैं एशियन पेंट ब्लू कलर में यूज़ में ले रही हूँ। आपको धीरे धीरे एक ही सीक्वेंस में इसको अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं कि मैं अप टू डाउन अप्लाई कर रही हूँ, ऊपर से नीचे में अप्लाई कर रही हूँ। एक ही सीक्वेंस होनी चाहिए एंड आप छोटा ब्रश इस्तेमाल में लें। छोटे ब्रश की हेल्प से पेंट सारे कॉर्नर्स में लग जाता है। सेम इसी तरह हमें जो मेन पॉट है हमारा ऊपर का, हमें उस पर अप्लाई करना है। धीरे धीरे एक ही सीक्वेंस में पेंट अप्लाई करें, और ये ध्यान रखें कि पेंट आपका सारे कॉर्नर्स में जो भी स्पेस है उन सबको कवर कर लें। पेंट अप्लाई करते वक्त कुछ ड्रॉप्स पेंट की नीचे आपके फर्श पे भी गिरती हैं। सो फर्श को इससे बचाने के लिए हम कोई भी पुराना कपड़ा ले सकते हैं, उससे चारों तरफ फोल्ड कर दें, आपके पॉट के कॉर्नर्स में लगा दें, ताकि अगर कोई ड्रॉप गिरे तो आपके कपड़े पे गिरे, फर्श को गंदा ना करें। इस पॉट स्टैंड पे मैंने सिर्फ एक ही कोट अप्लाई करी है, बिकॉज दो कोट अप्लाई करने के बाद जो इसमें बीच में स्पेस है, जो गैप है, वो पूरा कलर से फिल हो जाएगा एंड इसकी खूबसूरती थोड़ी कम हो जाएगी। सो इस पे आप सिर्फ एक ही कोट अप्लाई करें। इस पॉट स्टैंड को एक ट्री का स्ट्रक्चर दिया गया है, सो ये एक इसकी ब्रांच बनाई गई है, तो हम इसके चारों तरफ भी पेंट करेंगे। धीरे धीरे आपको ब्रश की हेल्प से पेंट करना है। अब हमें पॉट का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ऊपर के कॉर्नर्स हैं, उस पर पेंट करना है। धीरे धीरे हमें पेंट अप्लाई करना है। एक जगह आपको तीन बार पेंट करना है। ये देखिए, एक जगह पे मैं तीन बार पेंट अप्लाई कर रही हूँ। बारिश में फंगस लगने की वजह से आप देख सकते हैं कि इस पॉट पे काले काले धब्बे पड़ गए हैं, तो हमें इसे कवर करना है। इस पर अच्छे से पेंट अप्लाई करें। बारिश के मौसम में पेंट बिल्कुल अप्लाई मत करिए, बिकॉज बारिश में पेंट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। सेम इसी तरह हमें इसके बेस पे पेंट करना है। आप देख सकते हैं कि ये पॉट स्टैंड पहले कितना बेजान लग रहा था, और पेंट करने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। सो इसे करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पेंट की ज़रूरत है, एंड पेंट करना बहुत ईजी होता है, आप घर पर कर सकते हैं। सेम इसी तरह मैंने एक और पॉट स्टैंड पर पेंट किया है। आप देख सकते हैं कि ये टेरेस में कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आपके घर में गेस्ट आएँ तो आप उन्हें भी टेरेस पे ले जाके दिखा सकते हैं, वो भी काफ़ी खुश होंगे। एक पॉट स्टैंड हमारे रूम के बाहर था तो मैंने उससे भी पेंट किया। आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। बिफोर की फ़ोटो में बिल्कुल बेजान है और बिल्कुल डल है, और पेंट करने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। एंड आप इसमें फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फ्लावर्स लगाने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो इसमें स्टोन्स डाल के भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये स्टोन्स मैंने बाहर से नहीं ख़रीदे हैं। अगर आपका घर बना हुआ, या फिर अगर आपके घर में कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ हो, कमरा बना हो, किचन बना हो, खिड़की बनी हो, तो उसमें बजरी काम में आती है। तो बजरी को जब छानते हैं तो उसमें से पत्थर काफ़ी निकलते हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं फेंकें। आप उन्हें स्टोर करें, उन्हें अपने गार्डन में डेकोरेट करें। ये वही पत्थर हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी बस थोड़ी सी मेहनत से हमारी छत कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर आपको हमारा DIY अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू शेयर करिए। बाय बाय।